शहर में सोमवार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंडितों के अनुसार शुभ मुहूर्त में बहनों ने विधि विधान से भाई की कलाई पर राखी बांधकर पवित्र बंधन का निर्वहन किया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। गौरतलब है कि राखी भाई बहन गुरु शिष्य प्रकृति और मनुष्य के मध्य तारतम्य स्थापित कर सक्षम और समर्थ से अबला और कमजोर की सुरक्षा के संकल्प का त्यौहार है। धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी ने भी पाताल लोक जाकर राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई बनाया था। इसके अलावा रानी कर्णवती ने राजा हुमायूं को रक्षा के लिए राखी भेजी थी, जिसके बाद राजा हुमायूं ने रानी कर्णवती की रक्षा की थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जागृति नुपुर श्रीवास्तव व जाह्नवी ने बताया। रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनके मस्तक पे तिलक लगा के उन्हें उनका मुंह मीठा करा के उनको राखी उनके कलाई पे राखी बांध के उन्हें आशीर्वाद देती हैं और वो लोग मुझे हम बहनों को कुछ ना कुछ शगुन देते हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का पवित्र पर्व है ये, और ये सावन के पूर्णिमा के लास्ट सोमवार में मतलब आज पड़ा है उस दिन मनाया जाता है। और इसमें हम अपने भाई की आरती उतारते हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उनके हाथ पे कलाई राखी बांधते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और उनसे मतलब ये रक्षा सूत्र है जो हम लोग एक दूसरे की रक्षाबंधन है जो हम लोग एक दूसरे के रक्षा के लिए ये मतलब वादा करते हैं कि एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हर मुसीबत में हर दुख सुख में साथ निभाएंगे। धन्यवाद। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधा जाता है और उनकी लंबी आयु के लिए कामना किया जाता है। और आज उन्हें हम लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं और वे हम लोग का पैर छूते हैं।